नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आकेम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के पद हेतु सीधी भर्ती का विज्ञापन संख्या 2/2023 जारी किया गया था। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा 2012 व समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार विज्ञापन 01/2023 दिनांक 9/6/2023 द्वारा 176 निकायों के लिए निकायवार विज्ञापन सफाई कर्मचारियों कुल 1325 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। साथियों, इसी क्रम में विभाग आदेश क्रमांक 8111 दिनांक 6/10/2022 को राज्य की नगर निकायों में सफाई कर्मचारी के कुल 11772 पदों के नवीन पद सृजन करने के उपरांत 11772 पद नए पद सृजित किए गए हैं। उसी क्रम के दिनांक 9/6/2023 की निरंतरता में राज्य के 185 नगर निकायों में निकायों के वर्गवार विज्ञापन सफाई कर्मचारियों के कुल 24,797 पद। दोस्तों, अब पद हो गए 24,797, जिसमें 13,025 पदों के लिए पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें बढ़ोतरी करते हुए 11,772 पद और जोड़े गए। इस प्रकार कुल 24,797 पदों पर ये भर्ती की जानी है। रिक्त पदों का निकायवार संशोधित वर्गीकरण निम्न प्रकार से अधिसूचना की जाकर पुनः इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/10/2023 से 4/11/2023 की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, निकायवार पदों का विवरण, अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट http://lsgurban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन 01/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत आवेदन कर किया जा चुका है, यानी जिन अभ्यर्थियों को ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। शेष शर्तें पूर्व जारी विज्ञापन 01/2023 9/6/2023 के अनुसार यथावत रहेगी। उपरोक्त विज्ञप्ति हरेश कुमार शर्मा, निदेशक विशिष्ट शासन सचिव के दो हस्ताक्षर से जारी की गई है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय, केंद्र, राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र या एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वास्थ्य शासी संस्था, अर्ध सहकारी संस्था में 1 साल तक का अनुभव होना अनिवार्य है। साथियों, नगर निगम व नगर पालिका व नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी के बाद अब कुल 24,797 पदों पर भर्ती की जानी है। जिन पदों की बढ़ोतरी की गई है उनका विवरण आप नगरपालिका व नगर निगम नगर निकाय के अनुसार इस विज्ञप्ति में देख सकते हैं। साथ ही इसमें सभी राजस्थान की सभी समस्त नगरपालिका, नगर निगम, नगर निकायों का विवरण है, जिसमें पहले पद रिक्त थे उनका विवरण और अब नवीन पद रिक्त हुए हैं उनका विवरण इसमें दे रखा है। साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका पूरा विवरण आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, वहां जाकर इसका पूरा विवरण आप देख सकते हैं।
आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क सबका विवरण इस विज्ञप्ति में दिया गया है जो आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए ₹600, आरक्षित वर्ग के लिए ₹400 और दिव्यांग जन के लिए ₹400 शुल्क निर्धारित की गई है। पूर्व में जारी सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है जो आप इसमें देख सकते हो। चयन समिति कैसे बनेगी और इसमें कैसे आपका चयन किया जाएगा, पात्रता क्या है आपकी, प्रायोगिक परीक्षाएं, साक्षात्कार, समस्त दिशा निर्देश इसमें दिया गया है। साथियों, सफाई कर्मचारी पद की योग्यता व अनुभव, अभ्यर्थी को राज्य का किसी भी नगर निकाय, केंद्र, राज्य में किसी भी विभाग, राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सहकारी संस्था, संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी, निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री या घर, दुकान, माल, कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई का कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक से पूर्व का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र का उदाहरण प्रारूप इस प्रकार है, यह आप जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से ये बनवा कर ला सकते हैं। अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में आज से के साथ शपथ पत्र पेश करेंगे और उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पूर्णतः सही है। सफाई कर्मचारी की आयु 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग, दिव्यांग आदि को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, सांसद सदस्य जो संबंध नहीं हो, चरित्र प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।